अब हम तेल रखेंगे गरम करने के लिए, और इसमें प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर इनको फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन कलर का होने तक इनको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल के और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखो अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और अब इसको ठंडा करके। और मैंने रात को छोले भिगो दिए थे और उनको नमक और हल्दी में उबाल लिए थे थोड़ी देर। तो मैं बना रही हूँ आज छोले पूरी। तो अब इस मिक्सर को हम पीस लेंगे। एकदम बारीक पेस्ट बनाना है इसका। ग्रेवी अच्छी बनती है। ये देखो एकदम बारीक तैयार हो गया है। अब हम तेल गरम करेंगे और इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, जीरा। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें हम जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो हम इसको डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये सारा प्रोसेस हम धीमी आंच पे करेंगे जिससे कि पेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसको मिक्स करेंगे और धीमी आंच। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। ये देखिए बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। ग्रेवी का कलर अभी से ही अच्छा लगने लगा है। अभी तो इसमें हम ये देखिए दही में मैंने लाल मिर्च, हल्दी और धनिया और नमक इनको दही में मिक्स करके रख लिया। अब मैं इनको इसमें मिला दूंगी। इससे ग्रेवी बहुत ही थिक और एकदम स्मूथ तैयार होती है। ये देखिए अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा प्रोसेस धीमी आंच पे करेंगे। ग्रेवी अच्छी तैयार होती है जब आंच हम धीमे रखते हैं। तो ये 2 चम्मच क्रीम, फ्रेश क्रीम है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम दूध से उतारी हुई है, एकदम फ्रेश क्रीम। बहुत बढ़िया कलर आया है। ये है कश्मीरी मिर्च। इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। ग्रेवी एकदम लाल लाल अच्छी दिखती है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। ये जो छोले मैंने उबाल के रखे थे वो अब इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। छोलों को मसाले में पूरा कवर कर लेंगे। अब जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देंगे अपनी इच्छा अनुसार। अगर आपको ग्रेवी थिक करनी है, अगर आपको पतली चाहिए ग्रेवी, तो उसके हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये सब्जी तैयार होती है तब तक हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। मैंने आटे में नमक, तेल और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और आटा लगा लेंगे। पूरी का आटा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट लगाने होता है और ना ही ज़्यादा हार्ड लगाना होता है। इसको हल्का हार्ड लगाते हैं ताकि पूड़ियाँ फूले। अगर सॉफ्ट लगा लेंगे तो पूड़ियाँ फूलेगी नहीं। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है। कितने बढ़िया कलर आया है। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे हम इसमें। अब इससे कि अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है सब्जी का। और ये गरम मसाला 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है हमने इसमें।
जब तक हमारी सब्जी तैयार हो रही है तब तक हमने पूड़ियों के लिए तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। या हम पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे, तेल गरम हो रहा है तब तक हम पूड़ियों की लोई बना के तैयार कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें फटाफट बना के और फ्राई करना होता है। ये देखिए सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही मस्त लग रही है सब्जी। जितनी अच्छी दिख रही है उतनी टेस्टी भी है। ये हमने पूरी फ्राई कर ली, बना ली है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हम पूरी फ्राई करेंगे अब। ये देखिए पूरी, देखिए कैसे एकदम कचौरी की तरह फूल के तैयार है, बहुत ही बढ़िया पूरी फूली। पूरी फूल अच्छी बनने के लिए आटा अच्छा लगाना, बस आटे को ना अच्छा लगे ना ज़्यादा सॉफ्ट, रोटी के जैसे नहीं, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, रोटियों से थोड़ा हार्ड।